So guys, आज हम बात करने वाले हैं हार्ड डेटर्स के बारे में। तो अगर कुछ लोगों की ऐसी ही सेम दिक्कत है तो आप बस यहीं पे बने रहो, कहीं मत जाना, पूरा देखना है इस वीडियो को एंड। Hey fam, what's up? This is Arjun and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. Now guys, मैं आपके सामने आज एक पहली बहुत बड़ी चीज क्लियर कर देता हूँ, ये सबसे बेसिक चीज है। अगर आपको गेन करना है then obviously you need to eat more food. इसका और कोई इलाज नहीं है। आप कोई भी बाबा की पुड़िया ले लो, कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी करवा लो, आप गेन नहीं कर पाओगे। You have to eat more food. तो guys, हम बातों को ज्यादा घुमाए बिना सीधा हम अपनी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं जो आपको सिर्फ एक्सक्लूसिवली एस्थेटिकली में मिलेंगी। अगर आप 2-3 बजे उठते हैं दिन के अंदर तो यार कहाँ से आप अपना खाना पीना पूरा कर पाएंगे। रात के टाइम पर आप फिर अपने नेटफ्लिक्स पे लग जाते हैं या फिर बंदियों से चैट करते हैं या पबजी खेलते हैं, तो आप कैसे अपनी डाइट पूरी कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सुबह उठना जल्दी जरूरी है ना। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी शायद हैबिट होगी मेरी तरह, तो इसीलिए आपको मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा, आप सुबह जल्दी उठो। अगर सुबह जल्दी उठने के बाद ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम कवरेज मिल जाती है अपनी डाइट पूरी करने के लिए। सो यस, यू हैव टू वेक अप अर्ली। टिप नंबर 2 इज अंडरस्टैंड योर मैक्रोस। नाउ गाइस, मैक्रोस का मतलब होता है हमारे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट्स होते हैं उसके अंदर पर ग्राम 9 कैलोरीज होती हैं एंड जो प्रोटीन एंड कार्ब्स होते हैं उसके अंदर पर ग्राम 4 कैलोरीज होती है। ये याद रखना, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है बट स्टिल ये याद रखना। नाउ गाइस, आपको फैट इनटेक बढ़ानी है अगर आप एक हार्ट गेनर हैं तो, और उसका सिंपल रीजन यही है कि 1 ग्राम फैट के अंदर ज्यादा कैलोरीज होती है, डबल से ज्यादा कैलोरीज होती है। नाउ आई डोंट मीन कि आप सिर्फ फैट ही खाते रहो, बिकॉज एडिशनल फैट ईटिंग लीड्स टू फैट स्टोरेज। सो आपको ऑब्वियसली फैट्स खाने हैं, ज्यादा खाने हैं बट बहुत ज्यादा नहीं खाने। नाउ गाइस, ये बात थी फैट्स की, अब हम आते हैं कार्ब्स के ऊपर। गाइस, कार्ब्स 4 टाइप के होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब जो होते हैं उसके अंदर आपके फ्रूट्स, वाइट राइस, ये सब आते हैं एंड जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं इसके अंदर आपके ओट्स, आपका होल व्हीट पास्ता, एटसेट्रा, ये सब आते हैं। इफ यू आर अ हार्ड गेनर एंड यू वांट टू बल्क, देन ऑब्वियसली आपको कार्ब्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको अपने कार्ब्स जो है वो ज्यादा रिफाइंड एंड स्टार्ची वाले ज्यादा खाने एज कम्पेयर टू फाइबरस कार्ब्स। नाउ रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं वो आपके हो गए जैसे वाइट पोटैटो, आपके वाइट राइस, एटसेट्रा, तो आपको ऐसे कार्ब्स ज्यादा। नाउ वी कम टू प्रोटीन। यस गाइस, प्रोटीन प्रोटीन तो सभी करते रहते हैं क्योंकि सबको चाहिए प्रोटीन। अब लेकिन पता नहीं है कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, चाहिए लेकिन अब हमने स्टार्टिंग से यही सुना है कि बॉडी बनानी है तो प्रोटीन खाओ वरना मसल नहीं बनेगी, ठीक है। बट आपको एक बहुत ही बड़ा सैड ट्रुथ बताऊं, प्रोटीन जो होता है वो आपको काफी टाइम तक फुल रखता है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अब आप सोचोगे यार प्रोटीन तो खाया नहीं जाएगा ज्यादा, कैसे खाएं, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको बता दूं आपको प्रोटीन की डाइजेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सप्लीमेंट्स, यस, इस चीज के अंदर आपको सप्लीमेंट्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये तो आपको केमिस्ट से मिल जाएंगे, आपके प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये सब आपको केमिस्ट से मिल जाएंगे। नाउ गाइस, यू माइट हैव हर्ड ऑफ बीटेन एचसीएल एंड आपने ये अपने प्री वर्कआउट्स के अंदर भी जरूर देखा होगा। गाइस, बीटेन एचसीएल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंड वो बहुत जरूरी सप्लीमेंट है। यस गाइस, बहुत जरूरी सप्लीमेंट। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जैसे कि आपके होल एग्स। गाइस, होल एग्स इन माय अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट। नाउ गाइस, जैसे लेटर ऑन द डे पासेस आपको कार्ब्स खाने शुरू करने चाहिए एंड कार्ब्स सबसे बेनिफिशियल होते हैं अराउंड योर वर्कआउट, योर प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एज वेल एज योर इंट्रा वर्कआउट। एंड मैं हर एक हार्ट गेनर को रिकमेंड करता हूँ कि वर्कआउट करते हुए कम से कम 2 से 3 केले खाया करो दबा। एंड नाउ गाइस, लेटर ऑन इन द नाइट व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप आपको एक कार्ब्स प्लस प्रोटीन वाला मील लेना चाहिए।
अब आप बोलते भाई कार्ब्स लेने रात को, यूट्यूबर्स ने मना किया, बाकी सारे फिटनेस यूट्यूबर्स ने मना किया, नहीं लेने। अरे लो यार, किसने मना किया, जिसने मना किया ना उसकी माँ की, ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एंजॉय करो। कार्ब्स से कोई दिक्कत नहीं है, कार्ब्स तुम्हारे दुश्मन नहीं है, स्पेशली एज अ हार्ट गेनर यार, कार्ब्स तो तुम्हारी जन्नत होनी चाहिए। लाइक खाओ जितना खा सकते हो, बिकॉज यू हैव द एडवांटेज ओवर एवरीवन। टिप नंबर 3 इज ड्रिंक मोर एंड ईट लेस। मेरा मतलब ये है कि ड्रिंक मोर कैलोरीज। गाइस हम एक्टोमोर्फ्स और हार्ट गेनर्स के लिए ना एक बहुत डिसएडवांटेज वाली चीज ही होती है कि हमारा स्टमक साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि अगर हम सॉलिड फूड लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या थोड़ी देर लगती है, एंड ऑल्सो हमारे को फिल ज्यादा करता है। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप कैलोरीज ड्रिंक करें। गाइस मैंने 2 अल्टीमेट मास गेनर शेक्स की रेसिपीज बना रखी है, जिसमें कम से कम 2500 से 2000 कैलोरीज के शेक है, तो इधर उस पे एक लिंक होगा, आप डेफिनेटली उसको चेक आउट कर लो। गाइस स्टेप नंबर 4 इज कार्डियो करो। कार्डियो करो, क्या बोल रहे हो भाई, हमें गेनिंग करनी है, कार्डियो करना चाहिए। अरे यार अब सुनो मेरी बात, कार्डियो करने से मेरा मतलब क्या है, आपने वर्कआउट खत्म कर दिया, आपको भूख लग रही है, आपको शेप चाहिए हो, थोड़ा सा मास गेनर वाला मसल बिल्ड करनी है, अब आप अपनी भूख को फिर से बढ़ा सकते हैं। पता है कैसे, हल्का सा 5 मिनट का हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर लो अपने वर्कआउट के बाद। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप कार्डियो करते हैं उसके बाद ऑब्वियसली आपको भूख लगती है ज़्यादा। अगर आप सपोजिंगली 5 मिनट के सेशन के अंदर 200 से 300 कैलोरीज बर्न करते हो ना, तो उनको बर्न करने की वजह से आप कम से कम 800 से 1000 कैलोरी का शेक पी सकते, इतनी आपको भूख लग जाती है कार्डियो करने के बाद। आपने जरूर नोटिस किया होगा अगर आप कार्डियो करते हैं। टिप नंबर 5 इज डोंट फॉलो द गुरुजीज। यस गाइस, अब आपके गुरुजी आपको एक अच्छी सी डाइट लिख के देंगे, जिसमें होगा चावल, अंडे, चिकन, पता नहीं क्या दलिया वलिया सब भर के दे देते हैं। मतलब मैं मानता हूँ ये जरूरी है, बट आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग दिस फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स गाइस, मैं भी कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए करता हूँ। तो हमें कोई सीरियस नेक्स्ट लेवल की जो ये डाइट होती है ना, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट मींस दैट यू शुड आल्सो इंक्लूड चीट मील्स। लाइक आपको पता है ना, मैं डेली बर्गर्स खाता हूँ, डेली 2 बर्गर्स खाता हूँ, एंड उसका एक रीज़न है गाइस, बिकॉज मैं एक एक्टोमॉर्फ हूं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। तो अगर आप भी एक एक्टोमॉर्फ हैं एंड एक हार्ट गेनर है, आपका भी मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली फास्ट होगा, तो आप भी चीट मील्स खाओ। चीट मील्स मतलब कि जिसमें एक्स्ट्रा शुगर एंड एक्स्ट्रा फैट्स मिलेंगे। यस गाइस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि आपको हेल्प नहीं करेंगी, बट आपको एक्चुअल में बहुत हेल्प करेंगी, बहुत बहुत हेल्प करेंगी। सो डेफिनेटली आपको वीक में कम से कम 3 से 4 नहीं तो 5 चीट मील्स को खाने ही चाहिए। टिप नंबर 6 इज इंक्रीज योर मील फ्रीक्वेंसी। गाइस इंडियन सिस्टम आपको पता है मील का क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 बड़े बड़े मील्स हो गए एंड सो जाओ। बिकॉज गाइस 3 मील्स खाने के बाद ऑब्वियसली आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगी वो खाने की। तो ऑब्वियसली अगर आपको गेनिंग करनी है, आपको हैबिट लगानी होगी कम से कम 5 से 6 मील्स खाने की। नाउ गाइस, जब आप 5 to 6 मील वाली डाइट के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करता हूँ, एंड वो ये है कि आपको कम से कम 2 से 3 मील्स जो है वो लिक्विड कैलोरीज वाले लेने चाहिए, एंड जो बाकी 3 मील्स है वो आपके ऑब्वियसली सॉलिड मील्स होने चाहिए। ओके गाइस, तो ये थी हमारी टिप्स जो एक हार्ट गेनर के लिए एंड एक एक्टोमॉर्फ के लिए भी बहुत जरूरी है अगर उसको गेन करना है। एंड मैं जानता हूँ अगर आप ये टिप्स अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज मुझे भी किया था सब टिप्स ने। सो गाइस डेफिनेटली इन सबको इनकॉर्पोरेट करना अपने प्रोग्राम्स के अंदर एंड यू विल सी डेफिनेटली बिग चेंज। नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगा आपको, उसके अंदर ना अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स भर देना, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है ना तो वो भी जरूर पूछना। एंड गाइस नीचे ऐसा एक अंगूठा बना आएगा, उसके ऊपर एक आप भी ऐसे छापा मार देना, तो हमारी वीडियो को एक लाइक मिल जाएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। एंड नाउ गाइस देखो, अब सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ पर ऊपर एक बटन बना आएगा, इसको प्रेस कर देना, तो इससे होगा कि थोड़े टाइम बाद एस्थेटिकली इंडिया का नंबर 1 चैनल बन जाएगा। एंड ऑल्सो अब इधर प्रेस करो पिछली वीडियो देखने के लिए, एंड इधर प्रेस करो सबसे बेस्ट वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले थर्सडे शाम को 5 बजे।